समद हूँ, यहाँ पर इस स्कीम का इंटरनल कोऑर्डिनेटर हूँ। देखिए ऐसा है, हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की तरफ से एक स्कीम चलाई जा रही है जो गरीब बच्चों के लिए है। इसमें कोई एजुकेशन नहीं चाहिए, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, बल्कि जो बच्चे अपनी पढ़ाई डिसकंटिन्यू कर देते हैं या किसी वजह से फेल हो जाते हैं और घर पर रहते हैं, ख़ास तौर पर लड़कियाँ, उनके लिए हम डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ पर चलाते हैं। और क्योंकि ये लड़कियों का इंस्टीट्यूशन है, इसलिए यहाँ पर लड़कियों से मुतालिक प्रोग्राम ही चलते हैं, जैसे सिलाई कढ़ाई का है, टेलरिंग, गारमेंट्स, एम्ब्रॉयडरी, ब्यूटीशियन और कुछ टेक्निकल कोर्सेज में हम कंप्यूटर के कोर्सेज भी यहाँ पर चला रहे हैं। और मेन सेंटर के साथ साथ हमारे 6 सेंटर बाहर हैं जो अलीगढ़ के इतराफ में हैं, जैसे अतरौली में हमारा एक सेंटर चल रहा है, छर्रा में चल रहा है, आलमबाग के अंदर चल रहा है, जीवनगढ़ के अंदर है, और इस तरीके से हम डिफरेंट यानी तकरीबन उद्देश्य यह है कि ताकि जो बच्चे घर पे बैठे हुए हैं उनको ट्रेंड किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रोग्राम है वो तमाम लोगों को ट्रेनिंग प्रोग्राम देने का है, उनको टेक्निकली ट्रेंड करना है। तो ऐसे बच्चों को हम यहाँ पर दाखिला देते हैं, एजुकेशनली बैकवर्ड, माइनॉरिटी या किसी भी कास्ट से हों, जो बैकवर्ड केसेस में आते हैं, इकोनॉमिकली सोशली बैकवर्ड लोग हैं। आज हमारे जो बच्चे हैं पिछले कई सालों से प्रोडक्ट्स बना रहे थे और वो प्रोडक्ट्स हमने एग्जीबिशन जो अलीगढ़ की लगती है वहाँ पर भी लगाए थे, तो कुछ लोगों की ऐसी डिमांड थी, वहाँ पर हमने खाली डेमोंस्ट्रेट किया था, सेलिंग पर्पज़ से नहीं लगाया था। आज हमने वो बच्चों को, ताकि हमारे बच्चों को इनक्रेजमेंट मिले, और उसकी हमने सेल लगाई है, और ये हमारा एक तरीके से डेमोंस्ट्रेट, ये सेल हमारी 2 दिन चलेगी यहाँ पर, और जो इससे रिलेवेंट है सब इन्वाइटेड है, जो भी यहाँ पर अलीगढ़ के आसपास के लोग हैं, और इससे हमारा थोड़ा सा ये डेमोंस्ट्रेशन भी हो रहा है और एडवर्टाइजमेंट भी हो रहा है। मेरा नाम सफिया है। क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ जो है सेल लगी हुई है, गरीब बच्चों ने जो मतलब अपने आप बनाया है, यहाँ कोर्सेज होते हैं उस समय जो ट्राई करा है वो सब यहाँ हमने लगाया है अपना आप। यहाँ से आपने सीखा ये कैसे? ये कोर्सेज होते हैं 6-6 महीने के, इसमें पेंटिंग है, एम्ब्रॉयडरी है और ब्यूटीशियन, इन सब कोर्स होते हैं जिसमें गरीब लड़के, इनकी कोई एजुकेशन नहीं होती, उन लोगों को इसमें एडमिशन मिलता है, वो लोग इसमें करते हैं। क्या मकसद है इसका? मकसद है मतलब क्या, लड़कियों के अंदर कितना हुनर है ये दिखाने के लिए, मतलब इन सब चीज़ दिखाने के लिए लगाया जाता है कि मतलब क्या गरीब लड़कियाँ मतलब कुछ कर सकती हैं, मतलब ये नहीं पीछे नहीं आता, इसलिए उनको एडमिशन दिया। बहुत अच्छा, मुझे वॉलंटियर बनाया गया है यहाँ का, मैं बहुत अच्छा मतलब फील कर रही हूँ। और सनोवर खान, किस तरीके की प्रदर्शनी लगाई गई है, क्या उद्देश्य है? जी हाँ, टाई एंड डाई का भी कोर्स होता है और ये फैशन डिजाइनिंग का भी, तो इसे सारी सामान मिलते हैं यहाँ पर आपको, टाई एंड डाई जो लड़कियों ने बनाए हैं, पहले बैच की लड़कियों ने जो वहाँ कपड़े मिलते हैं, ब्लॉक जिसमें टाई एंड डाई में ब्लॉक प्रिंटिंग आता है, हैंड पेंटिंग आता है, इससे लड़कियाँ अपना, गरीब लड़कियाँ जो होती है इससे अपना कैरियर भी बना सकती हैं, जो यहाँ 6 महीने में सीखती हैं, जो भी इंशाल्लाह वो आगे जाके अपना कैरियर बना सकती हैं इसी में। आज क्या बनाया गया, क्या क्या बनाया? जी आज एग्जीबिशन लगी है जिसमें टाई एंड डाई की जो लड़कियों ने कपड़े बनाए हैं वो कपड़े हैं, और ये जो और भी सामान है इसमें, और ये सॉफ्ट टॉयज बनाए हैं लड़कियों ने, वो सॉफ्ट टॉयज के हैं, 6 महीने का कोर्स होता है, जिस 6 मंथ का कोर्स होता है ये।